मानसून आने में कुछ ही समय शेष बचा है, लेकिन निगम के द्वारा अभी तक शहर के बड़े नालों की सफाई का कार्य शुरू नहीं किया गया। स्वामी न्यूज के कैमरे ने जब तोपदड़ा से लेकर अंबावाड़ी तक अनासागर एस्केप चैनल के इस नाले का निरीक्षण किया तो नाला नजर नहीं आया, सिर्फ कचरा ही कचरा नजर आया। वहीं नाले के मार्ग में कई स्थानों पर साइट की दीवार तक नहीं है, कहीं पुलिया क्षतिग्रस्त पड़ी है। सर यहाँ पर हालत तो देख लो आप, इतनी बहुत खराब हो रही है कि ये नाला कम से कम एक साल से पूरा खराब पड़ा है और कोई भी प्रशासन इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। और बरसात का टाइम भी हो रहा है, बरसात आने वाली है, उस टाइम में पूरा नाला एकदम बंद रहता है, तो इस तरह से मतलब सारी समस्या हो जाती है कि पानी इधर निकल नहीं पाता है। और प्रशासन की तरफ से तो कुछ भी ये एक बनाया था, इस तरह इससे कोई मतलब नहीं है, पानी वैसे वैसे भरेगा इसमें और इसमें इधर कोई मतलब नहीं है, ना सफाई हुई ना इसकी पुड़िया भी पूरी टूट चुकी है। नाले की स्थिति बहुत मतलब खराब है इस समय और दोनों पुलिया बिल्कुल जाम हो रही है। और आप अपने जो दिवाली मतलब तोड़ी थी उन्होंने सफाई के लिए, तो आज तक मरम्मत भी नहीं हुई है। इसमें एक गाय का बच्चा भी गिरा था अभी 10-15 दिन पहले, आखिर वो मर गया। मतलब नाले के आसपास रहने वाले नागरिकों ने बताया कि पिछली दफा नाले की सफाई के लिए जेसीबी मशीन नाले में उतारी गई थी, उस समय जो दीवार तोड़ी थी वो आज तक नहीं बनी। यदि नाले में ज्यादा मात्रा में पानी आया तो कॉलोनी और घरों में घुसकर तबाही मचा देगा। नाले की स्थिति है भाई साहब कि यहाँ पूरा कचरा जमा हुआ है, मच्छर इतने होते कि आदमी इस रोड से निकल नहीं पाता है, मतलब सफाई एक बार भी नहीं हुई, मतलब जानवर दिन पे दिन जानवर इसमें गिर जाते हैं और मर जाते हैं, हमको बहुत दिक्कत होती है। जब भी जानवर निकलता है हम सब इकट्ठे होकर उनको निकालने का प्रयास करते हैं, लेकिन दिक्कतें बहुत ज्यादा है, लेकिन रस्सा से डाल के उनको निकाला जाता है। और इस तरह जैसे हमारे यहाँ देख रहे हो आप, ये पुल की जो दीवार टूटी हुई है इसमें भी काफी हादसे हो चुके हैं, मतलब कई बार तो 2-3 बच्चे गिर भी चुके हैं इसमें। यहाँ ऐसी दुर्गति हो रही है, कचरा पूरा सूखा हुआ है, सड़क टाइप बन गई है और ये आना सागर का मेन एस्केप चैनल नाला है और उसकी ऐसी दुर्दशा, टूटा हुआ है, बच्चे गिर जाते हैं, अगर कोई यहाँ से रात को अगर नहीं निकलता, बच्चा गिर गया तो प्रशासन क्या करेगा, उस हादसे की जिम्मेदारी लेगा। इस नाले को यहाँ से सही कराया जाए और इसका पूरा निर्माण कराया जाए। नाले में इतना कचरा है कि पूछो मत, इतनी मच्छर होते हैं इसमें कि ना मतलब बाहर निकलना भारी पड़ जाता है, रात में भी इतनी बदबू रहती है कि पूछो मत, रात में बच्चे या कोई जानवर भी निकले ना, कितनी बार तो जानवर इसमें मर चुके गिर के, कभी सांप निकलता है, कभी कुछ, मतलब हम लोग बहुत परेशान है इस चीज से, इसको व्यवस्थित करो ताकि हम लोग भी सुरक्षित रहें, बीमारियों से मुक्त रहें, इतनी बीमारी है इधर कि पूछो मत, हमेशा मतलब बीमार बच्चे तो हमारे बिल्कुल पास में जो नाले की जो है ये पुलिया ये बनाई नहीं जा रही थी। वार्ड नंबर 44 की पार्षदा संतोष मौर्य ने बताया कि निगम मेयर और एडी अध्यक्ष दोनों को नाले की सफाई और टूटी दीवारों के लिए अवगत करा रखा है और उन्होंने शीघ्र ही दूसरे चरण में नाले की सफाई और निर्माण कार्य कराने का आश्वासन भी दिया है। हमने एडीए में और नगर निगम में इसकी लिखित सूचना दे दी है और वहाँ से दोनों ही जगह से अच्छा सा आश्वासन मिला है, वो जल्दी इस पे कार्रवाई करेंगे और उम्मीद है कि इस बारिश से पहले पहले ये जो भी क्षतिग्रस्त दीवारें हैं ये तैयार हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। और हमने वार्डवासी को भी ये इस सूचना से अवगत करा दिया कि जो भी सफाई होगी, अभी एक बार सफाई और होनी बाकी है, अभी एक टन तो हो गया सफाई का, जैसी भी आई थी नगर निगम से, अब दूसरा टन होने वाला, जैसे वो सफाई का कार्यक्रम खत्म होते ही तुरंत प्रभाव से ये दीवारें कम्प्लीट की जाएगी। नगर निगम की तरफ से भी आश्वासन दिया गया और वो पूरा करेंगे इसको, और एडी की तरफ से भी कराया। तोपदड़ा का जो तोपदड़ा स्कूल के सामने है उस पर हमने मशीन लगाकर साफ सफाई करवा दी थी, कुछ दीवार वहाँ पर टूटी है, चूंकि उनके लोगों का कहना है कि दीवार वापस बनाए, तो हमारा ये कहना है कि फिर हम मशीन उतारेंगे फिर दीवार बनाएंगे, तो इसलिए एक बार हमारा जो सेकेंड दौर चलने वाला है सफाई का, वो सफाई कराने के बाद ही हम दीवार बनाएंगे। और निश्चित रूप से जो नाला है ये इसका बेड तो नीचे कच्चा है, इसलिए नाले की स्थिति हमारे को आपको देखने को मिलती है कि आज जो सफाई की है वो बिल्कुल झाड़ू लग के तो साफ हो नहीं सकता नाला, इसलिए हमने इसको अमृत योजना के अंदर दे रखा है, इसका हमने पूरे का पूरा वर्कआउट भी कर लिया है। जैसे हमारे पास अमृत योजना के तहत इसमें पैसा आएगा तो हम ये महादेव के ढाबे से लेकर इसको जो 9 नंबर पेट्रोल पंप तक ये नाला जाता है जिसमें शहर के सारे नाले जुड़ते हैं, उसको भी हम बेड पक्का कराएंगे और उसको चैनलाइज करने की कोशिश करेंगे ताकि फिर जाके आपको अंतर दिखेगा।
तो निश्चित रूप से हम इस प्रयासरत हैं, बाकी तब तक इसमें किसी प्रकार की कोई रुकावट नहीं हो इसके हमारे पूर्ण प्रयास रहेंगे। नाला आबाद रूप से चले, पानी आबाद रूप से निकल के जाए ताकि वर्षा ऋतु में किसी के भी प्रकार से किसी को जनहानि ना हो। प्रधानमंत्री आवास योजना को निगम क्षेत्र में साकार करने के लिए निगम प्रशासन ने कमर कस ली है। बुधवार को निगम में धर्मेंद्र गहलोत ने अपने कार्यालय में गरीब को आशियाने का सपना साकार करने के लिए कंपनी के कारिंदों और निगम पार्षदों की एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में आवास के सपने को पूरा करने के लिए रणनीति बनाने और योजना को समय पर पूरा करने को लेकर विचार विमर्श किया गया। हमारे प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि 2022 तक सबके लिए मकानों, सबके लिए छत मिले, हाउसिंग फॉर ऑल जो उन्होंने घोषणा की थी, इसके तहत यहाँ पर जो एक सर्वे टीम आई हुई है उन्होंने अजमेर में सर्वे करने का काम प्रारंभ किया है। चूँकि जनप्रतिनिधियों से जुड़ा हुआ विषय है इसलिए मैंने सारे आज पार्षदगणों को बुलाया था और उनको आकर कि ये क्या स्कीम है इसके बारे में उनको जानकारी दी है, इस स्कीम में किस किस को लाभ मिल सकता है इस बात की इनको जानकारी दी है, और इसके साथ ही इस बात के लिए जानकारी दी है कि ताकि जब वे सर्वे करने आए तो उनके साथ ये सहयोग करें। तो निश्चित रूप से सर्वे का परिणाम कब मिलेगा ये एक अलग बात है, अलग मैटर है, किंतु निश्चित रूप से सर्वे में अगर आदमी हुआ तो जैसे बीपीएल में था, बीपीएल में जिसका 2000 तक सर्वे था उसका अगर सर्वे लिस्ट में नाम है तो आज वो लाभ प्राप्त कर सकता है, जिसका अगर बीपीएल में नाम नहीं था 2000 में तो वो लाभ प्राप्त नहीं कर सकता और सरकार की कोई अभी योजना भी नहीं आ रही। इसलिए इसमें हमने यही प्रयास कर रहे हैं, सारे जनप्रतिनिधियों से यही निवेदन किया है कि इसके अंदर जो सर्वे टीम है इसका सहयोग करें, कोई भी ऐसा व्यक्ति बच नहीं जाए जो कि नीडी हो, और निश्चित रूप से इसके अंदर प्रत्येक एक घर के अंदर अगर 3 या 4 यूनिट है, मतलब शादीशुदा हो गया तो राशन कार्ड भी जैसे अलग बनता है वैसे इसी प्रकार से वो अलग अलग मकान उसको मिल सकता है। ये सरकार की योजना के तहत 1.5 लाख रुपये तक की उसको राशि मिलेगी जिससे वो अपना मकान बना सकता है, जो सपना होता है वो होकर जमीन सरकार की तरफ से दी जाएगी। इसलिए जो सर्वे का काम है इसलिए आज ये पार्षदगणों की मीटिंग बुलाई गई।